ने मुझे 50,000 झापड़ मारा सर, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली मारपीट करते हैं सर, इतना ज्यादा मारपीट करते हैं कि साथ में रहना मुश्किल हो गया है, इतना ज्यादा बच्चे के सामने मारते हैं सर, बच्चे पर भी बहुत ज्यादा ये दुष्प्रभाव करते क्या पड़ते है हैं मिस्टर, ये आप करते क्या है, ये प्राइवेट जॉब सर। करते ये हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेवल 9 में सर, इसका मंथली इनकम 7.5 लाख है सर। ये जो सैलरी, ये जो मेरे अकाउंट में पैसा डाले हैं वो मुझे सैलरी बोल करके डाले हैं। मैं जॉब, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर, मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब छुड़वा दी है, बोले तुमको जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुमको हर महीने पगार मैं दूंगा, वो बोल करके वो पैसे डाले सर। मैंने, इन्होंने 17 मई को मैं अपने मायके आ गई सर, गरियाबंद अपनी जान बचा करके आई सर, और आते ही मैंने उनको मैसेज भी कर दिया कि इतना मारपीट, इससे पहले भी बहुत मारपीट की, रात को 3 बजे घर से निकाल देते हैं सर, इतने ज्यादा सनकी हैं कि हद नहीं है सर। मतलब आप लोग की मैरिज कब की है? सर 2015 की है अच्छा सर। मैंने बहुत समझाने की भी कोशिश की साथ में घर में रह करके कि इतना मारपीट मैं नहीं सह पाऊंगी किसी भी स्थिति में, सिर्फ और सिर्फ जो सर साथ में नहीं रहने का कारण है वो मारपीट है, एक्सट्रीम लेवल का मारपीट है। 498 है क्या? 498 वाज रजिस्टर्ड बट इट हैज बीन ट्वाइस बाय द ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच। आई हैव फाइल्ड द कॉपी ऑफ ऑब्जेक्शन एज एन एग्जेक्ट फी। किस ग्राउंड पे वो कॉर्ट हुआ है? आई हैव फाइल्ड इट ऑन 10/11/2023 एज एन एग्जेक्ट फी। 7 FIRs आर देयर, 2 FIR इज अगेंस्ट मी एंड 1 FIR इज अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 तो आप जो मैटर पेंडिंग है क्या ऑलरेडी? एंटीसिपेटरी बेल इज आल्सो लिस्टेड टू डीलरशिप हैं आइटम नंबर 5 एंड 6। एंटीसिपेटरी एंटीसिपेटरी बेल है, दो जी, एंटीसिपेटरी एंटीसिपेटरी बेल है 482 है सर। तो उसी में एंटीसिपेटरी बेल है जिसमें 482 फाइल किया है आपने फॉर कॉशन। हाँ जी, उसमें ये कौन है? फाइव कौन है? दक्ष। रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज द वाइफ ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट। अच्छा आप हैं, तो आपने को एंटीसिपेटरी बेल कोई फाइल किया है? दोनों किए हैं और दोनों को इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। क्रॉस एफआईआर लॉर्डशिप, क्रॉस अच्छा एफआईआर, क्रॉस है। हस्बैंड इज लॉज एफआईआर अगेंस्ट द वाइफ। नहीं ये विकास सिन्हा इज द हु इज ही आई एम द, आई एम फॉर द विकास सिन्हा, ही नहीं इज द विकास, ही इज द हस्बैंड ऑफ द हस्बैंड ऑफ द रिस्पोंडेंट। प्राइवेट रेस्पॉन्डेंट। राइट, ओके, ये 420 का केस है। 67 420 और कितने केसेस थे इन्होंने फाइल किए हैं? 498 कोई वाला कॉश हो 498 गया, किया था और 420 सर, 498 एक कॉश हो गया। आफ्टर आफ्टर पासिंग ऑफ द ऑर्डर इन रिलेशन टू 498 ए व्हिच गॉट फेवर इन इन माय फेवर लॉट, आफ्टर लैप्स ऑफ 2 डेज न्यू एफआईआर हैज बीन चार सौ रजिस्टर्ड बीस अगेंस्ट, आपने संसद किया हो? 420 जस्ट आफ्टर लैप्स ऑफ 2 डेज सर। मैंने शिकायत 1 वर्ष पूर्व दिया था सर, जो मैंने आज आंसर फाइल किया है अच्छा, एनेक्सर आर। एक आई सेकंड एम सॉरी, रुकिए, जस्ट एक सेकंड रुकिए, दोनों आदमी सुनिए। काइंडली सी दी एनेक्सर पी फाइल ऑफ द पिटीशन दैट इज तो क्या कॉम्प्रोमाइज से कोई चांसेस नहीं है? थ्री ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच वाज ट्राइड लॉट इज इवन इन चेंबर द काउंसलिंग वाज हेल्ड बट अच्छा अच्छा इट अच्छा वाज गॉट बैड लॉटशिप। अच्छा दी एनेक्सर पी फाइल में काइंडली बी सी मैं ऑफ द पिटीशन पेज नंबर 46 ऑनवर्ड्स, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर व्हिच तो वाज ये हस्बैंड की भी 498 कॉश हो गई है पास। हाँ, और इसमें सिर्फ हस्बैंड ही था, और ठीक है इनके ना? खिलाफ जो है 406 ऑफ आईपीसी का एफआईआर हमने किया है, ये हमारा वाइफ के खिलाफ आपने 406 किया है, वो अबाउट कहाँ है? दिस वो कहाँ है? इज आइटम नंबर 5 एन एक्सर अच्छा, P3 उसका वो एंटीसिपेटरी बिल एंटीसिपेटरी बिल वो कहाँ है, उसमें कहाँ है? जस्ट मिनट, आइटम नंबर 5 लवली एनपीआरसी ए नंबर सिक्स नाइन वन ये कब की है? 2023। इसमें जी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई है क्या? ना, इसमें दोनों को, दोनों एंटीसिपेटरी बेल में इंटरिम इंटरिम प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ग्रांटेड है दोनों को क्या? अच्छा, क्या कोई पैसे है आपके अकाउंट में सेवेंटी ट्रांसफर फोर करने, लाख 50,000 अबाउट हैज तो बीन, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया? नहीं नहीं किया सर, यही मैं ऑर्डर शीट दिखाना चाह रहा हूँ। कंटिन्यू एन एक्सर पी फाइव में कंटिन्यू फर्स्ट डेट 5/6/2023, इसमें इनको इनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला। नाउ दिस 6/7 नहीं तो 2023 19 जो हम एंटीसिपेटरी बेल है दर्शना शर्मा की, उसमें जो ऑर्डर है एंटीसिपेटरी 19/7/2023 को, जिसमें इनको ये इंटरिम। डायरेक्शन अच्छा दिया गया तो इसमें क्या हुआ फिर, इस ऑर्डर के बाद क्या हुआ 10/8/23 के ऑर्डर के बाद? उसके बाद एक नया FIR हो जाता है सर, जो 424 6, इसके बाद नहीं हुआ था तो। नहीं ये आगे ये ऑर्डर शीट्स कंटिन्यू चले हैं, अच्छा तो FBR इन्होंने किया और हम इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उसके बाद नया एक FIR नहीं फोर नहीं सर, ट्वेंटी उसके बीच में काफी 2 मंथ का ड्यूरेशन था आई विल हियर यू मैडम। लॉर्डशिप।
There was chance of इनके खिलाफ 406 का किया है ना, जिसके लिए एंटीसिपेटरी बेल में एंटीसिपेटरी बेल क्या है आपके एलिगेशन ये है कि जब ये हस्बैंड वाइफ साथ में थे, जब सारी चीजें अच्छी थी, तो इन्होंने हस्बैंड ने अकाउंट खुलवाने के लिए इनके सिग्नेचर किए और कुछ डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज किया, ऐसा इनका एलिगेशन। अच्छा अच्छा ओके अच्छा, आपने इसमें रिटर्न फाइल कर दिया मैडम? जी सर जी, काउंटर फाइल कर दिया आपने, रिजॉइंडर फाइल कर दिया इसमें? बाय टुडे इटसेल्फ आई हैव रिसीव्ड दी। काउंटर मिला है कि रिजॉइंडर? काउंटर रिटर्न अभी फाइल किया है क्या इन्होंने? हाँ सर आज मॉर्निंग में दिया अभी। अच्छा आपने इनको दिया, इसमें कोई इंट्री ऑर्डर है क्या? दोनों में नहीं, नहीं इसमें 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 सीआरएमपी में इट वाज कनेक्टेड विद दिस। अच्छा इसमें कोई इंट्री ऑर्डर नहीं है, इसमें कोई इंट्री अच्छा वो इंटरिम ऑर्डर है कि आप दोनों आदमी का इंटरिम बेल चलता रहेगा, चलता रहेगा। रीयूनियन के पॉइंट पे सर, ऑब्जर्वेशन के साथ इनको जो है एफडीआर का रीयूनियन के पॉइंट। अच्छा मैडम यू हैव नॉट फाइल एनी पिटीशन फॉर क्वॉशिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 406? जी जी इट हैज बीन सर, मैंने विथड्रॉ किया प्रेस फाइल करने के लिए कुछ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के साथ। अच्छा यू हैव नॉट येट फाइल्ड? आपने सर, मैंने फाइल किया था 482। हाँ तो आपने विड्रॉ कर लिया उसको बिकॉज़ ऑफ न्यू फाइल करना है सर। 24 हैं लिबर्टी के साथ विड्रॉ की, न्यू फाइल करना है सर। यस सर। और आप लोग की इंटरिम बेल जो है अलाउ हो चुकी है, ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं कि आप रिजॉइंडर फाइल कर दो इसमें, ठीक है ना? काउंटर इनका दिया हुआ है, इंटरिम बेल जैसे चल रही है अभी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना सर? आप प्लीज बताइए, मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। अभी तो मेरिट पे अपन नहीं सुन रहे हैं ना, क्योंकि अभी काउंटर इन्होंने फाइल किया है, आपने रिजॉइंडर इनको देना है, ठीक है ना? आपने ये पिटीशन विदड्रॉ किया है, इफ यू वांट टू फाइल योर पिटीशन फॉर क्वॉशिंग यू फाइल इट। सो फार एज द योर बेल एप्लीकेशंस आर कंसर्न एंड द बेल एप्लीकेशन विल कंटिन्यू, आई फिक्स अ डेट then come for hearing then we'll pass सर, मैं छोटी सी बात बताइए बताइए प्लीज सर। दिनांक 13/5/2022 को इन्होंने मुझे 50,000 झापड़ मारा सर, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली मारपीट करते हैं सर, इतना ज्यादा मारपीट करते हैं कि साथ में रहना मुश्किल हो गया। 17 मई 2022 जो आपका चाइल्ड है आपके साथ रह रहा है किनके साथ? मेरे साथ है। मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है? मेल चाइल्ड है सर। मेल चाइल्ड है, क्या एज है उसकी? उसकी अभी एज 5 ईयर 8 मंथ है सर। ठीक है सर, इतना ज्यादा बच्चे के सामने मारते हैं सर, बच्चे पर भी बहुत ज्यादा दुख। करते क्या है मिस्टर ये? आप करते क्या है? ये प्राइवेट जॉब करते सर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेवल 9 में सर। इसका मंथली इनकम 7.5-8 लाख है सर। ये जो सैलरी, ये जो मेरे अकाउंट में पैसा डाले हैं वो मुझे सैलरी बोल करके डाले हैं। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर, मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब छुड़वा दी है, बोले तुमको जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुमको हर महीने पगार मैं दूंगा, वो बोल करके वो पैसे डाले सर। मैंने इन्होंने 17 मई को मैं अपने मायके आ गई सिरगरिया, मतलब अपनी जान बचा करके आई सर, और आते ही मैंने उनको मैसेज भी कर दिया कि इतना मारपीट, इससे पहले भी बहुत मारपीट की, रात को 3 बजे घर से निकाल देते हैं सर, इतने ज्यादा सनकी हैं कि हद नहीं है सर। मतलब आप लोग की मैरिज कब की है सर? 2015 की है। अच्छा सर, मैंने बहुत समझाने की भी कोशिश की साथ में घर में रह करके कि इतना मारपीट मैं नहीं सह पाऊंगी किसी भी स्थिति में, सिर्फ और सिर्फ जो सर साथ में नहीं रहने का कारण है वो मारपीट है, एक्सट्रीम लेवल का मारपीट है। मैं 17 मई 2022 को गरियाबंद आ गई सर, उसके बाद फिर वो भी गरियाबंद आए, गरियाबंद आने के बाद भी और